ग्वालियर के महाराजवाड़ा के नगर निगम कार्यालय पर तिरंगा लगाते वक्त बड़ा हादसा हो गया। इस हाइड्रोलिक मशीन पर चढ़कर निगम के कर्मचारी तिरंगा लगा रहे थे, वो अचानक से टूट गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई, घायलों को नीचे लाया गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हैं। जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारियों के साथ प्रभारी नगर निगम आयुक्त मुकुल गुप्ता भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि घटना के बाद गुस्साए एक वकील ने प्रभारी निगम आयुक्त को चांटा मार दिया। पुलिस ने हंगामा बढ़ते देखा तो भीड़ को खदेड़कर निगम अफसरों को बाहर निकाला गया। के साथ संवेदना करती है और जितनी पीड़ा परिवार को उतनी पीड़ा सरकार को है, मुझे है। मैं स्वयं आगे अभी अस्पताल जा रहा हूँ, इसकी विस्तृत जांच की जाएगी। झंडा लगा रहे थे, झंडे का झंडा लगा रहे थे ऊपर फायर से सीन से अचानक पिछला हिस्सा डिसबैलेंस होकर गिर गया, उसमें हादसा हुआ। इसमें भी 3 लोगों की कैजुअलिटी की सूचना है। एक घायल जो ये मशीन पीछे से उठ गई, लगा रहे थे बैलेंस के वजन ज्यादा हो गया और सडन आगे से उठ गई। कर्मचारियों जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता चंद्रेश गर्ग जुड़ चुके हैं। चंद्रेश, बड़ा हादसा हुआ है ग्वालियर में महाराजवाड़ा के नगर निगम कार्यालय पर तिरंगा लगाते वक्त हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट है अभी पूरा इस हादसे को लेकर? आज सुबह सुबह जब नगर निगम की एक हाइड्रोलिक मशीन ऊंचाई पर तिरंगा बदलने के लिए काम कर रही, तभी 60 पर उसकी रॉड टूटने से ये क्रेन पलट गई, जिससे 3 लोग, 2 फायर ब्रिगेड कर्मी और एक निगम कर्मी की मौत हो गई और 1-2 लोग घायल हैं, जिसकी हालत चिंताजनक है। अभी प्रभारी मंत्री घटनास्थल से रवाना होकर अस्पताल के लिए गए हैं, वहां से देखकर वो कल 15 अगस्त के रिहर्सल कार्यक्रम के लिए भी रवाना हुए हैं। घायलों के परिजनों ने जब प्रभारी मंत्री से मुआवजे की रकम के लिए था, उन्होंने कहा मैं सीएम से बात करकर उचित मुआवजा दिलवाऊंगा। जी बिल्कुल चंद्रेश, वहीं इस घटना के बाद एक वकील ने प्रभारी निगम आयुक्त को चांटा भी मार दिया है, तो हंगामे जैसी स्थिति भी वहां क्या देखी जा रही है? जी, वो जब क्रेन पलटी थी तो थोड़ा मतलब माहौल थोड़ा वैसा हो गया था, तो उस समय धक्का मुक्की जैसा वातावरण बन गया था और कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है। प्रभारी मतलब जो मुकुल गुप्ता जो भी प्रभारी इस समय नगर निगम कमिश्नर है, उनके साथ एक वकील ने धक्का मुक्की कर दी। जी बिल्कुल चंदेश, अभी तक 3 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है, वहीं अन्य लोग घायल भी हैं। कितने लोग अभी घायल हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्या कुछ उनकी अभी स्थिति? 2 से 3 लोग टोटल घायल हुए हैं इसमें, जिसमें से 1 की हालत थोड़ी नाजुक बताई जा रही है, बाकी 2 लोगों की हालत स्थिर बताई गई है। जी, उनका इलाज जेएचएस में चल रहा है। जी ठीक है चंदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तिरंगा लगाते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है जहां क्रेन का एक हिस्सा भी टूट गया है, वहीं 3 लोगों की अभी तक इस हादसे में मौत हो चुकी है, अन्य 2 या 3 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है।